आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे स्ट्रिंग, इंटीजर, बुलियन, डबल और फ्लोट क्या है और किस तरह से उसका यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न एंड्रॉइड। हम ऐप डेवलपमेंट का पूरा कोर्स लेकर आए हैं। अगर आप भी एंड्रॉइड सीखना चाहते हैं या एंड्रॉइड सीखने में इंटरेस्टेड है तो हमारे साथ बने रहिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि स्ट्रिंग क्या है। स्ट्रिंग का मतलब है कि हम कोई भी वर्ड या टेक्स्ट टाइप करेंगे डबल कोट्स के अंदर तो स्ट्रिंग में आएगा। यहाँ एक्टिविटी मेन में टेक्स्ट है सबमिट, तो ये स्ट्रिंग है क्योंकि ये डबल कोट्स के अंदर है। हम यहाँ पे 1 2 3 4 करेंगे तो वो भी स्ट्रिंग में आएगा। और हम क्लास में किस तरह से लिख सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। हम यहाँ पे स्ट्रिंग लिखेंगे कैपिटल एस और आपको बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग दिखाई देगा, उस पर एंटर करेंगे और एक स्पेस छोड़ेंगे और कोई भी नेम देंगे और क्लोज करेंगे। अब हम यहाँ ऑन ग्रेड के अंदर स्ट्रिंग हमने जो ए नाम के बनाई है उसकी वैल्यू देंगे। हम ए इज इक्वल टू कोई भी वर्ड लिखेंगे और क्लोज करेंगे तो आपको एरर दिखाई देगी क्योंकि हमने यहाँ डबल कोट्स में स्ट्रिंग नहीं लिखा हुआ है। तो हम इसको रिमूव करेंगे और शिफ्ट प्लस डबल कोट्स करेंगे और उसके अंदर कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। हम यहाँ पे 1 2 3 लिखेंगे तो भी स्ट्रिंग में ही काउंट होगा क्योंकि हमने डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट यहाँ पे इंटीजर है। इंटीजर में हम सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू, कोई भी नंबर वाली वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। डेसिमल या पॉइंट वाली वैल्यूज हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। यहाँ INT और इंटीजर में डिफरेंस क्या है वो देखेंगे। INT में हम सिर्फ 4 बाइट तक ही स्टोर कर सकते हैं जबकि इंटीजर में हम 16 बाइट तक स्टोर कर सकते हैं। हम यहाँ पे INT लिखेंगे इंटीजर और कोई भी एक वेरिएबल नेम देंगे और क्लोज करेंगे। अब ऑन क्रिएट के अंदर हम इंटीजर b की वैल्यू देंगे, b इज इक्वल टू कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे तो हम यहाँ स्टोर नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं और कोई भी डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू नहीं स्टोर कर सकते हैं। अगर हम इसको स्ट्रिंग में लिखेंगे तो स्ट्रिंग में भी स्टोर नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे है बुलियन। बुलियन में हम सिर्फ ट्रू या फॉल्स वाली वैल्यू ही स्टोर करा सकते हैं। हम यहाँ पे बुलियन लिखेंगे, आप यहाँ कैपिटल बी करके भी बुलियन लिख सकते हैं और कोई एक वेरिएबल नेम देंगे बुलियन का और क्लोज करेंगे। हम यहाँ बुलियन में सिर्फ ट्रू या फॉल्स ही लिख सकते हैं। हम यहाँ कोई भी वर्ड लिखेंगे या न्यूमेरिक वैल्यू लिखे तो आपको एरर दिखाई देगी। हम यहाँ कोई भी वर्ड भी नहीं लिख सकते हैं, आपको सिर्फ यहाँ ट्रू या फॉल्स ही लिख सकते हैं और हम यहाँ फॉल्स लिखेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे फ्लोट और डबल है। हम फ्लोट और डबल में कोई भी डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। फ्लोट में हम सिर्फ 4 बाइट तक ही सेव करा सकते हैं जबकि डबल में हम 8 बाइट तक स्टोर करा सकते हैं कोई भी वैल्यू। हम यहाँ पे फ्लोट लिखेंगे और फ्लोट की कोई भी वेरिएबल नेम देंगे और साथ में यहाँ डबल लिखेंगे और डबल का कोई वेरिएबल नेम देंगे। अब यहाँ वन क्रेड के अंदर हम फ्लोट की वैल्यू देंगे इज इक्वल टू हम यहाँ पे 11.11 करेंगे और क्लोज करेंगे। आपको यहाँ पे एरर दिखाई देगी क्योंकि हमें फ्लोट में कास्ट करना पड़ेगा। हम यहाँ लास्ट में एफ लिख सकते हैं या स्टार्टिंग में यहाँ कास्ट कर सकते हैं, फ्लोट लिखेंगे, आपको एरर नहीं दिखाई देगी। और यहाँ डबल में हम वैल्यू देंगे, क्लोज करेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे लॉन्ग है। लॉन्ग में हम न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे इंटीजर में हम लार्ज वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते हैं तब हम यहाँ लॉन्ग का यूज़ करेंगे। हम यहाँ लॉन्ग लिखेंगे और उसका वेरिएबल नेम देंगे और क्लोज करेंगे। हम यहाँ पे लॉन्ग में न्यूमेरिक वैल्यू लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे टेक्स्ट और बटन लिया है और फाइंड व्यू बाय आईडी दी है और बटन का क्लिक लिस्टनर बनाया है। हम बटन के क्लिक पर किस तरह से फ्लोट और डबल, लॉन्ग और इंटीजर का प्लस वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, सेट टेक्स्ट करा सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। हम यहाँ पे डबल लिखेंगे, उसका वेरिएबल नेम देंगे और यहाँ फ्लोट प्लस डबल करेंगे क्लोज करेंगे और टेक्स्ट में सेट टेक्स्ट करवाएंगे। हम टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट लिखेंगे और यहाँ हम क्या टेक्स्ट सेट कराना चाहते हैं वो लिखेंगे तो हम सम लिखेंगे। आपको यहाँ एरर दिखाई देगी क्योंकि हम टेक्स्ट में सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू ही स्टोर करा सकते हैं और ये न्यूमेरिक वैल्यू है तो हम यहाँ पे न्यूमेरिक से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। हम यहाँ स्ट्रिंग लिखेंगे डॉट वैल्यू ऑफ करेंगे और इस ब्रैकेट के अंदर हम सम लिखेंगे तो यहाँ न्यूमेरिक में से स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर टेक्स्ट में सेट हो जाएगी। अब हम एप्लीकेशन को रन करके देखेंगे किस तरह से आपको दिखाई देगा। तो हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो फ्लोट प्लस डबल की वैल्यूज आपको टेक्स्ट में सेट होकर दिखाई देगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम यहाँ पे लॉन्ग लेंगे, लॉन्ग में हम यहाँ इंटीजर और लॉन्ग की क्या वैल्यू है उसका सम करवाएंगे। हम यहाँ बी लिखेंगे इंटीजर वैल्यू और ए लॉन्ग करेंगे और एप्लीकेशन रन करेंगे। हम यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे तो इंटीजर वैल्यू और लॉन्ग वैल्यू का टोटल होके आ जाएगा। और हम यहाँ पे फ्लोट लिखेंगे, फ्लोट के साथ हम यहाँ इंटीजर और लॉन्ग वैल्यू का सम करवा सकते हैं। हम यहाँ इंटीजर वैल्यू लेंगे और साथ में यहाँ फ्लोट लेंगे और एप्लीकेशन को रन करके देखिए किस तरह से आपको दिखाई देगा। हम यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे तो जो इंटीजर वैल्यू और फ्लोट वैल्यू का सम होकर आपको दिखाई देगा और हम यहाँ इंटीजर की जगह लॉन्ग वैल्यू भी लिख सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।
है।